The bill in question stands introduced. Item number 11, Rana Iradat Sharif Khan, Chairman, Standing Committee on Parliamentary Affairs, to move item number 11. मेरे पास इन राइटिंग आ गया है आईजी का वो भी ले लीजिए। I present before the house, राणा साहब, the report of Standing Committee on Parliamentary Affairs to for Bill to further amend Election Act 2017, the election Second Amendment Bill 2024. The report of the Standing Committee on Bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2020 stands presented. Bilal Azhar Kiani Sahib to move item number 12. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take into consideration the Elections Second Amendment Bill 2024. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take into consideration the Election Second Amendment Bill 2024. All those in favour of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is a Bilal Azhar Kiani to move item number 13. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. There are two amendments standing in the name of Sahibzada Sibkatullah and the other standing in the name of Ali Muhammad Khan, MNA. Now I call upon Sahibzada Sibkatullah to move the amendment. स्पीकर, कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इस वक्त कौमी असम्बली का अजलास जारी है जिसके मनाज़िर आप देख रहे हैं। सरदारा यासादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया है और एहतजाज का भी जो है उसके भी मनाज़िर देखने में आ रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं कौमी असम्बली के। कौमी कमीशन बराए हुकूक बचकान तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया गया है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया है और स्पीकर अय्याज़ सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है जिसके मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश और स्पीकर अय्याज़ सादिक इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। ये मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया जा रहा है जिसमें जो अपोजिशन है उसकी जानिब से आवाज़ें भी उठती हुई हमें सुनाई दे रही हैं। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया और स्पीकर अय्याज़ सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया है और इस बिल के हवाले से कुछ तहफ़ुज़ात थे अपोजिशन को जिसका बार बार इजहार किया जा रहा था। स्पीकर अय्याज़ सादिक इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और सरदार अय्याज़ सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त कौमी असम्बली का ये अहम इजलास जारी है जिसके मनासर आप देख रहे हैं। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया। इस बिल पर कुछ तहफ़ुज़ात थे अपोजिशन को जिसके हवाले से हमने देखा कि कुछ आवाज़ें भी उठती हुई सुनाई दे रही थी। तो कौमी असम्बली में इस वक्त इंतहाई अहम इजलास चल रहा है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया और इस इजलास की सदारत स्पीकर अय्याज़ सादिक कर रहे हैं। इससे पहले कौमी असम्बली के मुख्तलिफ अराकीन ने इजहार ख्याल किया। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे और शर्मिला फारूकी ने इजहार ख्याल किया और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक ऐवान में मंजूर हो चुकी है और अपोजिशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी है और इसी मुखालफत के सिलसिले में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की जो तहरीक है वो ऐवान में मंजूर हो गई है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया और अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की है और नामंजूरी के नारे लगाए गए हैं अपोजिशन की जानिब
जानिब से अपोजिशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत की है और इस हवाले से नारेबाजी की गई और खुलकर मुखालफत की गई है अपोजिशन की जानिब से। सरदार अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास चल रहा है जिसकी सदारत कर रहे हैं स्पीकर अय्याज सादिक और कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 जो है उसके हवाले से ये बिल पेश किया गया मंजूरी के लिए और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक ऐवान में मंजूर कर ली गई है और जो अपोजिशन है उसकी जानिब से हमने देखा कि इस इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत की गई है। अपोजिशन ने बिल की कॉपियाँ फाड़ कर स्पीकर डाइस की तरफ फेंकी और अपोजिशन अरकान का ऐवान में हंगामा और एहतजाज। तो आपको अपडेट करें कि अपोजिशन ने इस बिल की खुलकर मुखालफत की है, एहतजाज किया गया अपोजिशन की जानिब से और बिल की कॉपियों को फाड़ा गया और स्पीकर डाइस की तरफ इन कॉपियों को फाड़ कर फेंका गया। अपोजिशन अरकान का ऐवान में हंगामा और एहतजाज देखने में आया, अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की गई, इस बिल की खुलकर मुखालफत की गई। कौमी असम्बली का अजलास इस वक्त जारी है, सरदार अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक ऐवान में तो मंजूर हो गई है लेकिन अपोजिशन ने इसकी खुलकर मुखालफत की है, नारेबाजी की है और इस वक्त जो है आप मनाजिर देख सकते हैं, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। इसलिए आज जब मेरी जमात को एक राइट मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खवातीन की रिजर्व सीटें मिले और माइनॉरिटीज की सीटें मिले और 41 मेंबरान असेंबली को जनाब स्पीकर हक इख्तियार दिया गया, हक इंतखाब दिया गया कि आप जिस भी जमात के पास जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, आप शामिल होइए। ये राइट हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गया। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कानून साजी करके हमें सुप्रीम कोर्ट के उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला मेजॉरिटी डिसीजन के बाद आप हमें महरूम कर सकते हैं। दूसरा उसमें जनाब स्पीकर साहब नुक्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात रखी गई कि 39 मेंबरान असेंबली को हमारे इस ऐवान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर गर्दाना गया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला आ रहा था मोहतरम स्पीकर साहब तो उसमें मोहतरम जज साहिबान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है, तो जब हम सियासी जमात थे तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में पूछा कि क्या जब इलेक्शन वाले दिन हमें हक हासिल था, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और चीफ जस्टिस साहब ने यह बात की कि इलेक्शन कमीशन को हमारा मौकफ सुनने में और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझने में गलती हुई, तहरीक इंसाफ एक जमात थी। तो स्पीकर साहब इलेक्शन वाले दिन जब हमारे लोग तहरीक इंसाफ को वोट डालने गए वहां बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं था, तो मैंने इलेक्शन से पूछा इलेक्शन कमीशन से कि क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब आप कहते हैं कि बैरिस्टर गौर साहब या उमर ऐयूब साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक इलेक्शन ना होने की वजह से अहल नहीं है कि इन 41 मेंबरान को पार्टी में एक्सेप्ट करें, तो उन 39 को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या उन 39 के लिए तहरीक इंसाफ हलाल है और इन 41 के लिए हराम है? फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या आप इस फैसले के जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हैं क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? मजे की बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हक में बात नहीं की। इसलिए जनाब स्पीकर साहब हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होके आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असेंबली को यहाँ पे आने के लिए उससे रोकने के लिए और अखिलियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें, इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फसलायत खड़ी है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट द अमेंडमेंट हैज मूव्ड। लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर, वुड यू लाइक टू
जी सर, मैं बिल्कुल इस पे दो बातों की वजाहत करूंगा। पहली बात तो ये है कि कानून साजी, मैं बारहा कह चुका हूँ, इस मुअक्कर और मौजज ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े हो के मैं कह रहा हूँ, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्त अली मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारा रास्ता रोकने के लिए है, और उन्होंने हवाला दिया अल्लाह ताला के नामों का। मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि इनके लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों, आपने हलफनामे दिए, हलफनामे के मुताबिक आपने कहा कि आप बिला जबरो इकरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उनका रुकन तसव्वुर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा, आपके वकील फैसल सदीकी साहब ने कहा ये माइनॉरिटी डिसीजन में जो रीजंस आई हैं मेरे हाथ में हैं, उनसे पूछा गया कि आप ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मांग रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद के लिए। फैसल सदीकी साहब ने उन्होंने कहा जी सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के लिए। आपके वकील कंवल शोजब के वकील राजा सलमान अक्रम साहब से पूछा गया कि क्या आप ये सीट्स क्लेम करते हैं, उन्होंने कहा जी ये सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएं। अब आइन के आर्टिकल 51 के प्रोवाइजो और आइन के आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया ये सीटें नहीं थी जा सकती। तो खुदारा हकायक को सही बयान करे, फैक्ट सीधे रखे। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। आइन के आर्टिकल 51 और 106, इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104, इलेक्शन रूल्स 217 के रूल 92(6) की जो असल मंशा है वो इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा है। एट दैट सॉल्वर Now I put the question is that amendment as moved by Ali Mohammed Khan sir, all those in favor of it may say aye, all those against it may say no. I think noes have it, consequently amendment is rejected. Now I put the motion. Main honorable membran se kahunga ki tashreef rakhein taaki iske upar behas ho sake. Aapke membran ne iske upar move kiya hai. जरताज गुल साहबा आप बात करना चाह रही थी, जरताज गुल साहबा आप बात करना चाह रही थी, नहीं करना चाह रही। नाउ पुट द मोशन टू द हाउस, इट हैज बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द इलेक्शंस एक्ट 2017, द इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 एज रिपोर्टेड बाय द स्टैंडिंग कमेटी टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन एट वंस। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। I think ayes have it, consequently motion is adopted. The bill is taken up clause by clause. Clause 2, there is an amendment in clause 2 standing in the name of Bilal Azhar Kiani and Zeb Jafar. I call upon Bilal Azhar Kiani to move the amendment. I wish to move that in the election second amendment bill 2024 as reported by the standing committee, in clause 2 for paragraph b the following shall be substituted, namely b for the full stop at the end a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely provided that if a candidate before seeking allotment of a prescribed symbol has not filed a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party by submitting party certificate from the political party confirming that he is that party's candidate, he shall be deemed to be considered as an independent candidate and not a candidate of any political party. Minister of parliamentary affairs, do you oppose it? Sir, I don't oppose it, I support it. Now I put the amendment as moved by Bilal Azhar Kiani and Zeb Jafar to the house. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye, all those against it may say no. I think ayes have it, consequently amendment is adopted. Now I put clause 2
as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Bilal Azhar Kiani and Zeb Zafar. I call upon Bilal Azhar Kiani to move the amendment. I wish to move that in the elections second amendment bill 2024, as reported by the standing committee, for clause 4, the following shall be substituted, namely, Law Minister, insertion of section 104A Act 2023 of 2017. In the said act, after section 104, the following new section 104A shall be inserted, namely, 104A, consent for joining of political party by independent returned candidate to be irrevocable, etc. Notwithstanding anything contained in this act or rules or any other law, for the time being in force, or a judgment, decree or order of any court, including the Supreme Court and a High Court, the declaration, consent or affidavit by whatever name called of an independent returned candidate once given for joining a political party shall be irrevocable and cannot be substituted or withdrawn. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? No, sir, I don't oppose it.